हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास विथ रवि में। मेरे तरफ से आप सभी के पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली की बहुत सारे शुभकामनाएं। तो आइए ना, क्यों नहीं हम आज दिवाली के शुभ अवसर पर कुछ बड़ा धमाल करते हैं। क्यों नहीं बड़े धमाल के साथ आज परसेंट क्लियर कर लेते हैं। शुरू से एकदम जीरो लेवल से आपको परसेंट आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आप सभी आज बहुत सारे पटाखे आ चाहे कुछ भी खरीदने वाले हैं और उसको फोड़ने वाले हैं। तो क्यों नहीं उसका परसेंट आप निकालें कि जैसे कि आप पटाखा खरीदने जाएं और 20% का छूट दे दिया, जैसे कि आपको पटाखा दिया है। देखिए आपको पटाखे पे दिवाली है, दिवाली पर बहुत सारे होता है। तो देखिए जैसे कि आपका पटाखा का दाम है कितना, 500 रुपया, 500 रुपया और कितना का परसेंट का छूट है, 20% का छूट है। कितना का, 20% का छूट है। देखिए कोई सामान आपको कितना मिल रहा है, 500 रुपये में, और उस पर कितना का छूट है आपका, कितना का छूट है, कितना का है, 20% का छूट है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले सीधी से बात आपको बता दें। देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन शुरू एकदम स्टार्टिंग करने वाले हैं परसेंट का क्वेश्चन। देखिए इसका ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इस सोचेंगे कि आप बहुत जल्दी खत्म कर देंगे तो नहीं होगा। देखिए एक क्लास आपका फर्स्ट है, एक क्लास आपका फर्स्ट है। देखिए ये परसेंट आप निकालना सीख जाएंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस तीन चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर से। तो देखिए आइए हम पहले कुछ इसका क्या होता है कुछ समझ जाते हैं, तब उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए जैसे कि आपका परसेंट क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका परसेंट। यदि आपसे पूछेगा 1% बराबर, 1% बराबर तो क्या हो जाएगा आपका 1/100। यदि आपसे पूछेगा क्या 100% बराबर, 100% बराबर तो क्या हो जाएगा आपका 1। देखिए परसेंट के क्या होता है आपका 100 होता है, परसेंट का मतलब 100 होता है। तो देखिए ये हो गया आपका कुछ, अब आपको कुछ और बता रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको परसेंट जाएंगे, 1% बराबर होता है 1/100। देखिए आपको क्या 10 किसी चीज में आपको 10% का छूट मिल रहा है, किसी चीज पे आपका 10% का छूट मिल रहा है, तो उसको कैसे क्या लिखना है आपको 10/100। तो आपका कितना मिल रहा है, देखिए ये हो गया आपका भीम में, ये हो गया आपका परसेंट में, ये हो गया आपका भीम, ये हो गया आपका परसेंट में। तो देखिए आपको कोई चीज जैसे कि 500 रुपए की कोई चीज है उस पर आपका 10% का कितना का है छूट है, तो क्या करेंगे आप 100 से 200 कटाएंगे तो कितना आपका, ये देखिए 500 का चीज है तो उसमें आपको कितना मिलने वाला है, 50 रुपए का छूट मिलने वाला है। जैसे 500 का है तो ये चीज 500 का है तो इसको आप 450 रुपए में ले लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आपका 10% का छूट मिल रहा है, 10% का छूट मिल रहा है। तो देखिए 10% का छूट पर आपका 50 रुपए का फायदा हो गया। देखिए ये हो गया कुछ, अब आपको हम बता रहे हैं क्या चीज, देखिए ये तो हो गया भीम, अब आपको एक बात और बता रहे हैं क्या, यदि आपसे परसेंट को भीम में तो बदल दिए, परसेंट को देखिए परसेंट ये था, परसेंट को आप भीम में बदल दिए, यदि भीम को परसेंट में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, यदि भीम को परसेंट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो आइए वो बताते हैं। देखिए कैसे क्या करना है आपको, वो छोटा से छोटा चीज आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो से बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि देखिए आप मेरे वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, तुमको भी स्पीक मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के गिनती है कि तुमको आज कहीं बड़े धमाल होने वाला है, कहेंगे आज दिवाली है आप सभी पटाखा छोड़ने वाले हैं, हम भी कुछ धमाल करने वाले हैं, ऐसे ऐसे बताने वाले हैं, आज बहुत सारे खुश हो जाएंगे आप सभी। इसीलिए आप सभी को निवेदन है कि आप वीडियो तुमको भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए बिना परसेंट के तो कुछ कोई चीज फायदा कुछ चीज होने वाला नहीं, एक बात आप क्लियर चल जाइए। क्योंकि देखिए कोई चीज लेते हैं तो उस पर छूट तो रहता है, जैसे कि आप कहीं गए जिसे आने वाला है छठ, छठ में जाएंगे आप कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे यदि आपसे कोई कह देगा क्या गए हैं कपड़ा खरीदने के लिए, जींस का दाम है 700 रुपया,
₹700 तो जींस का दाम है और कितना, और उस पर आपको बता रहा है कि 20% का छूट है। कितना का छूट है? 20% का छूट है। आप बताइए, 700 का जींस है और 20% का छूट है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कैसे निकालेंगे? नहीं जानेंगे तो आप ₹700 देकर आ जाएंगे, कहेंगे ₹700 का दाम है और 20% के छूट के तो कुछ वैल्यू नहीं, जानते हैं कि कितना छूट आपको मिल जाएगा। तो जानते हैं क्या करना होगा, देखिए सात और कितना छूट मिल रहा है आपका 20%, तो क्या हो जाएगा 700 × 20 और बाटा में देखिए परसेंट है तो परसेंट को आप बाटा में लिख देंगे, तो देखिए 200 × 200 कितना का आपका फायदा हो गया, ₹140 का आपका फायदा हुआ। अब बताइए आप जींस का दाम था कितना, ₹700, जींस का दाम था ₹7, आप कितने में ले जा रहे हैं, कितना का छूट हो गया, कितने में आपको मिल जाएगा, ₹660 में मिल जा रहा है। बताइए ₹560 मिल रहा है, सॉरी ₹560 में मिल रहा है, तो बताइए आपको फायदा हुआ कि नहीं। यदि आप नहीं परसेंट निकालते, यदि नहीं जानते तो कहां से निकालते, नहीं निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। इसीलिए बोलते हैं कि आप हमको भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें शुरू से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत अच्छा तरह से, और समझ में छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, ऐसे टाइप से बताने वाले हैं कि छोटा बच्चा भी जान जाएगा। आप सभी तो बहुत बड़े हैं, तो देखिए ना, हाँ एक बात और बता देते हैं कि जो मेरे चैनल अभी नए और सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे दबा दीजिए, जिससे अगले वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हाँ ये नहीं कर रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करिए, दिए अच्छा वीडियो लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे दबाइएगा, कहेंगे देखिए आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो इतना भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ और समझते हैं, क्या चीज देखिए, अरे बहुत कुछ बताने वाले हैं, ये तो अभी क्लास पहला है, अभी तो जड़ है। देखिए आप सभी बता रहे हैं कि जड़ मजबूत रहेगा तभी जाकर आपका टिकेंगे, बहुत ज्यादा समय तक आप टिकेंगे। यदि देखिए आप कोई चीज बनाते हैं, यदि घर बनाते हैं, यदि घर में नई महिमा से नहीं जाएंगे तो जात जात भर जाएगा, कहेंगे कि नहीं जब कमजोर था तो भसे न जाएंगे। यदि आप बताइए, आप ही समझिए ना, आपका पैर नहीं रहेगा तो कैसे चलेंगे, यदि पैर नहीं रहेगा तो आप कैसे चलेंगे, तो वैसे ही समझ जाइए कि पहले जड़ से ही उखाड़ा जाता है, जड़ मजबूत रहेगा तभी क्वेश्चन का आप आग लगाएंगे, क्वेश्चन का आप आग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो जोन ना तोन, ठीक है बहुत अच्छा तरह से। तो देखिए अब आपको क्या करना है, परसेंट को आप दशमलव में बदलिए, परसेंट को आप दशमलव में बदलना है। देखिए जैसे कि आपका परसेंट कितना दे 12%, इसको आपको क्या चीज में बदलना है, दशमलव में बदलना है, तो क्या करना है आपको 12/100, तो इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको परसेंट में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका देखिए 0.12, कहेंगे कि कैसे हो गया, तो देखिए ना कौ जीरो है, दो गो है, तो दो गो के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, हो गया आपका, ये हो गया आपका परसेंट से दशमलव में बदल दिए। यदि आपको अब परसेंट से नहीं सॉरी भिन्न से परसेंट में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, परसेंट को भिन्न को भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे, भिन्न को परसेंट में आप कैसे बदलेंगे, तो आइए ना वो हम आपको समझाते हैं। आइए देखिए कैसे, जैसे कि आपका कुछ कोई दे दिया क्या चीज, देखिए जैसे कि आपने दे दिया फोर बाई फाइव दे दिया, इसको आप क्या में बदलना है, परसेंट में बदलना है, बताइए यहां पर आपका क्या रहेगा, परसेंट में बदलना है तो क्या लिखेंगे, सौ लिखेंगे कि 100% लिखेंगे, बताइए आपसे पूछ रहे हैं क्या लिखेंगे, सौ लिखेंगे या 100% लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, ये समझा रहे हैं देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कटा देंगे तो आपके कितना बचा, इतना तो बच गया ना, अरे आपका तो इतने ना बचा, अरे आपका तो ये तो कट ही गया, आपका एक आ गया, इसको कटा दिए तो एक आ गया। देखिए आपको बता रहे हैं कि इसको आप 5/4 × 100 है,
तो 100 यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए ना परसेंट में, जब बदलना है तो इसको परसेंट में कर दीजिए, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 होता है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो देखिए ई हो गया आपका परसेंट, ई हो गया। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए अब इसको कटाएंगे कितना नाम जाएगा 20 बार में, तो आपका कितना आ गया 80%, 80% आपका आंसर हो गया। यदि इसको भिन्न से परसेंट में बदल दिए, भिन्न से परसेंट में बदल दिए। अब आपको एक बात बता रहे हैं, आपसे कहीं गए हैं, देखिए क्या आपसे पूछ रहे हैं। अब इसको आप ऐसे नहीं बनाए, यदि नहीं समझ में आया तो अब आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको यहां पर दे दिया क्या, देखिए समझिए ना फिर से, क्या दिया आपका 4/5। तो यहां पर आपका कुछ भी नहीं है, तो आप देखिए यहां पर आप 100 ले लीजिएगा, 100 लेंगे और 100 से भागा लगा देंगे तो कट के आपका कितना आ गया, इतना आ गया ना, इतना आ गया ना। तो आप ये लिखें या ना लिखें, इसको जब आपको कहेगा भिन्न से, भिन्न से क्या में बदलने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए, तो आपको सीधी सी बात क्या करना है देखिए ना, आपको जांच करके दिखा देते हैं। तो देखिए 100 हो जाएगा परसेंट, तो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ गया आपका 80% तो आ गया। अब इसको आप, अब 80% को आपको क्या में बदलना है, भिन्न में बदलना है। 80% को आपको कहाँ बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे करेंगे 80/100, अरे परसेंट है तो 100 लिख सकते हैं। तो देखिए आ गया आपका, फिर इतने आ गया, इतना लिखे या इतना लिखे बात आपका सेम है, इतना लिखे या इतना लिखे बात आपका सेम है, समझ में आया, इतना लिखे या इतना लिखे आपका बात सेम है। तो देखिए और कुछ और चीज बताते हैं, और बहुत कुछ बताने वाले बेसिक, आज बोलिए ना पहला क्लास है, आपको बेसिक से बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन छोड़िए ना, क्वेश्चन खुद आप बनाएंगे, पहले बेसिक सीख लीजिए, क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। कहेंगे हम बोलते हैं कि दिवाली है, दिवाली में बहुत ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं। तो देखिए धमाल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, अरे कि नहीं मजा आएगा, आइए देखिए। तो पहले देखिए अब आपसे क्या पूछेगा, यदि आपसे पूछ दिया जैसे कि आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए अब दशमलव से भिन्न में, सॉरी दशमलव से परसेंट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, दशमलव को परसेंट में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। जैसे कि आपको दे दिया क्या 0.3, ये तो आप देख रहे हैं क्या है दशमलव है, इसको आप कहाँ बदलना है परसेंट में बदलना है, इसको कहाँ बदलना है आपको परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, देखिए परसेंट में बदलने के लिए आपको क्या करना है, कितना है 0, इतना है, तो इसको क्या करेंगे 100 और बाटा भी 100 कर देंगे, 100 और बाटा 100। कहेंगे कि कैसे, तो लीजिए ना कटा दिए, फिर तो आ गया आपका सेम टू सेम, फिर तो आ गया इतना है। अरे परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट का मतलब आप जानते हैं कि 100 होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, तो देखिए इसको परसेंट में बदलने के लिए, देखिए दशमलव को आप हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 10 और गुणे आपका 100 नहीं लिख सकते हैं, 100% लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100%। अरे देखिए इसको ऐसे लिखे थे ना, ऐसे लिखे थे तो इसको कटाएंगे तो इतना ही ना आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात आपका सेम होने वाला है। तो देखिए 100 से 100 कट गया तो आपका कितना आ गया 30%, आपका कितना आ गया 30%। अब आपको बताइए आपका क्या जाने, आप क्या क्या जाने, परसेंट से भिन्न में, भिन्न से परसेंट में, और परसेंट से दशमलव में, और दशमलव से परसेंट में। इतना चीज आपको क्लियर हो गया ना, इतना चीज आपको क्लियर हो गया ना, तो आइए ना कुछ और दिखाते हैं, देखिए कुछ और बताते हैं, क्या चीज बता रहे हैं, देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, जैसे कि दे दिया 2/5 का,
परसेंट निकालिए, 2 और 5 का परसेंट निकालिए, प्रतिशत निकालिए। निकालिए तो देखिए 2 और 5 का परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 सॉरी 20, तो कितना आ जाएगा आपका 20 दिन के 40% आपका कितना आ गया 40%, आपका कितना आ गया 40%। यदि आपसे आप क्या पूछेगा, देखिए आपको पूछे देगा कितना परसेंट होगा, यदि ये पूछ देगा कितना परसेंट होगा तो क्या करेंगे आप, देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन दे दिया क्या, देखिए आप बहुत अच्छा लगेगा, बोलिए क्लास आपका पहला है, पहला पढ़िए तो पहले पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, अब जैसे कि आपको दे दिया 4-5 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा 4 और 5 का, तो देखिए 4 और 5 का तो क्या है 4/5 गुणे परसेंट पूछ रहा है, तो कितना परसेंट 100, तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा आपका 80% आपका आंसर हो गया, 80% आपका आंसर हो गया। देखिए ना इसको आपको हम बता दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, तो देखिए ये सारे छोटा छोटा चीज आप जानेंगे, यदि जानते होंगे, यदि नहीं देखिए जानते होंगे तभी ठीक है, यदि नहीं जानते होंगे तभी आपको हम अच्छी तरह से समझा दिए, ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिए हैं। तो देखिए ये आपका क्लास पहला है और क्लास सेकेंड में आपको इनसे भी धमाल मचाने वाले हैं, उसमें कहीं क्वेश्चन कराने वाले, ये तो हो गया कुछ बेसिक चीज कि देखिए परसेंट इसको बोलते हैं, परसेंट का मतलब 100 होता है, ये सब बता दिए, 1% बराबर होता है 100% और 1% बराबर 100% बराबर 1, ये सारे चीज आपको हम बता दिए, ये सारे चीज आपको हम बता दिए हैं। तो हो कि देखिए ये सारे आपको अच्छा लगा होगा, यदि आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप इसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आपको शेयर करने से कुछ घटने वाला नहीं है, आप जितना चाहते हैं उतना शेयर करिए, चाहेंगे शेयर करने में आपको कोई पैसा वैसा लगने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं लगेगा, आप जितना चाहते हैं उतना शेयर करिए यदि अच्छा लगा होगा, और जिस जिसने शेयर किया है वो कमेंट कर दो हमको बताए कि हमने किया है। तो देखिए ये सारे आपको अच्छा लगा और चाहते हैं कि ऐसे ऐसे धमाल और मचाना है हमको परसेंट में, देखिए परसेंट में आपको 3 चैप्टर खत्म होने वाला है, लाभ हानि खत्म हो जाएगा इनसे, परसेंट से ही लाभ हानि खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही से बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को आप देखिए, ये सब आपको अच्छा तो लगा होगा, ऐसा बात तो नहीं हो गया तो कुछ समझ में आया, इतना तो आप नहीं है, देखिए ये सारे चीज आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बेल आइकन बगल में आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे अगला वीडियो लेकर आए चाहे कोई वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको, और सबसे पहले वीडियो देखेंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।